आज हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो मोस्टली न्यूमेरिकल होंगे ये मूवेबल प्लेट के केस के लिए होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं, ए जेट ऑफ वाटर, ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर स्ट्राइक ए फ्लैट प्लेट नॉर्मली विद ए वेलोसिटी ऑफ जेट 15 मीटर पर सेकेंड। द प्लेट is moving with a velocity of 6 meter per second in the direction of the jet and away from the jet. Find पहला इसमें निकालना है हमको the force exerted by the jet on the plate. Second कैलकुलेट करना है हमें वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट। देखिए क्वेश्चन हमको दे रखा है कि ये जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर स्ट्राइक ए फ्लैट प्लेट नॉर्मली विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द प्लेट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड अवे फ्रॉम द जेट। फाइंड पहला द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट एंड सेकेंड वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट पर सेकेंड। पहले इसमें हमें डाटा क्या क्या गिवन है वो हम निकाल लेते हैं। तो डायमीटर दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 1.1 मीटर। इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर से, तो ये हमारे पास में आ जाता है पाई बाई 4.1 का स्क्वायर इक्वल टू 0.007854 मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी ऑफ जेट हमको दे रखा है यानी कि वी ये दे रखा है हमको 15 मीटर पर सेकेंड। एंड प्लेट वेलोसिटी ऑफ प्लेट हमको दे रखा है यानी कि u दे रखा है इट 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करना है हमें फोर्स एग्जर्टेड बाय अ जेट ऑन ए फ्लैट वर्टिकल प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। तो x यानी कि इसमें हमारे पास में जो है प्लेट भी मूवेबल है तो इसके लिए हमको फार्मूला है वो ड्राइव किया था v माइनस u का स्क्वायर। तो रो का वैल्यू हमको पता है 1000 इंटू एरिया दिया है हमको 0.07854 और v का वैल्यू दे रखा है 15 ये दे रखा है 6 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम तो 1000 × 0.07854 और ये 15 में से 9 का स्क्वायर। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 0.7854 × 81 और ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है
6.17 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब इसके लिए सेकेंड पार्ट और हमको कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट, वर्क डन सेकेंड केस को, वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, यानी कि एफ एक्स फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्मॉल यू, ये वेलोसिटी जो लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द प्लेट लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 3.817.02 इनटू इसका जो प्लेट वेलोसिटी था वो 6 था, तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो आ जाता है ये आ जाएगा 3.817.02 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब कोई हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड ये है ए नोजिल ऑफ 15 mm डायमीटर डिलीवर ए स्टीम of water at 20 meter per second perpendicular to the plate that moves away from the जेट एट 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमें प्राप्त करना है फाइंड फर्स्ट द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लेट, सेकेंड द वर्क डन, एंड थर्ड the efficiency of jet। तो पहले पे इसमें हम देखते हैं कि हमको डाटा क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ द जेट 15 mm, इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो ये हमारे पास में इतना मीटर आ गया। इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास में जो आया वो ये आ गया 5/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इक्वल टू 0.001963 मीटर स्क्वायर। वी हमको दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द जेट दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और यू का वैल्यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स एग्जर्टेड जो आ जाएगा वो आ जाएगा होगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर, इसमें वैल्यूज का पुट करेंगे तो ये 1000 इंटू 0.001963 इंटू 20-5 का स्क्वायर इक्वल टू 4178 न्यूटन। अब वर्क डन की बात करेंगे, सेकंड पूछा है वर्क डन, वर्क डन बाय द जेट, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ एक्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि 4.41.78 इंटू 5 इक्वल टू 2208.9 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब इसका एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे, थर्ड जो है एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ द जेट, यानी कि ईटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में आउटपुट बट ऑफ जेट बटे इनपुट ऑफ द जेट, इनपुट ऑफ जेट
यानी कि आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड बटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट पर सेकेंड, यानी कि एफ एक्स इंटू यू और वन अपॉइंट टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इंटू यू वन अपॉइंट टू रो ए वी का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 22.89 डिवाइडेड बाय 1/2 1000 इंटू 0.00196352 इंटू 220 इंटू 20 का स्क्वायर, ये आ जाता है हमारा तकरीबन 2208.9 डिवाइडेड बाय 5640। ये तकरीबन जो आएगा 1.77 यानी कि 33.7% इसका इफिशियंसी आ जाए।